नमस्कार, मैं हूँ आरती चौधरी और आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है। इस हिंदी के महत्व को जानने के लिए हम यहाँ इस वक्त विश्वविद्यालय में हैं। तो आइए, हिंदी के विशेष महत्व को जानने के लिए हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रेवती रमन से हम कुछ बातचीत करते हैं और हिंदी के महत्व के बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जिस तरह से हिंदी का जो पतन होता जा रहा है हमारे देश में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत भी है, हिंदुस्तान भी है। तो बहुत पहले इकबाल ने एक शेर में कहा था, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तो इकबाल ने हिंदी शब्द का प्रयोग हिंद के निवासियों के लिए किया था, हिंदुस्तान के निवासियों के लिए किया था। तो हिंदी का वर्तमान भविष्य वही है जो हिंदुस्तान के निवासियों का वर्तमान भविष्य। हम नहीं समझते हैं कि हिंदुस्तान का किसी स्तर से पतन हुआ है और वो नीचे जा रहा, ऐसा नहीं। जब हिंदुस्तान का निरंतर विकास हो रहा है तो हिंदुस्तान के निवासियों का पतन कैसे हो जाएगा? हिंदी हिंद के निवासियों के लिए भी प्रयुक्त होती है और उनकी भाषा के लिए, जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषी जनता के लिए तमिल का प्रयोग किया जाता है और उसकी जबान को भी तमिल कहा जाता है। यही बात बंगाल में, बंगाल के लोगों को बंगाली कहा जाता है और उनकी भाषा को भी बांग्ला भाषा कहा जाता है। यही स्थिति देखो कि पंजाबी में, पंजाबी लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं और वहाँ की भाषा भी है। सर, जैसे कि हम बंगाल में जाते हैं वहाँ बंगाली, महाराष्ट्र में जाते हैं मराठी, सर हिंदी कहाँ है? हिंदी प्रदेशों में है और हिंदी प्रदेशों के बाहर भी है, पूरी दुनिया में है हिंदी। शायद ही कोई देश हो हिंदुस्तान के बाहर जहाँ की विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था न हो। और बहुत सारे जो भारत के लोग गए निर्वासित होकर यहाँ से अंग्रेजी राज में, उनको पकड़ कर ले गया गया गिरमिटिया प्रथा के अंतर्गत। तो मॉरिशस है, फिजी है और भी बहुत सारे देश हैं, त्रिनिदाद है। अभी हमारे यहाँ हमेशा फोन आता है वहाँ से नीदरलैंड पुष्पिता अवस्थी हैं, वो कविताएँ लिखती हैं, गद्य लिखती हैं, किताबें लिखती हैं, उनकी कई किताबों की भूमिकाएँ मैंने लिखी और निरंतर संवाद में रहते हैं। तो सर, मैंने सुना कि आप भी बहुत सारी किताबें लिखते हैं, कविताएं की रचना करते हैं, सर उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? मैंने जो पुस्तकें लिखी हैं वो अमूमन मैं पिछले 37 वर्षों से हिंदी का अध्यापक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में हिंदी भाषा और साहित्य का अध्यापन करता हूँ। तो बच्चों को पढ़ाते हुए, उनके लिए पढ़ते हुए मैंने कई ग्रंथ लिख डाले, निरंतर निबंध वगैरह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहता है। एक दर्जन से अधिक पुस्तकें हैं और पूरे देश में वो पढ़ी जाती है। तो अमूमन का सीधा संबंध बनता है जो हिंदी भाषा और साहित्य में उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे हिंदी में एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, या हिंदी माध्यम से जो परीक्षाएं देते हैं वो प्रतियोगी परीक्षाएं, तो उसमें जैसे उत्तर प्रदेश होता है ना, UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ, तो उन सब के काम वो किताबें आती हैं और लोग पढ़ते हैं। अनुसंधान से संबंधित या कृतिशील से संबंधित लेख सब हैं हमारे, वो कई पुस्तकों में छपे हैं। तो वो अचानक नहीं लिखे गए हैं और स्वतः प्रेरित नहीं है, विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान रखते हैं हमने लेखन किया है। सर, मेरा अगला सवाल है कि जैसे आजकल के युवा पीढ़ी की अगर बात करें तो हिंदी के जानकार तो हैं, लेकिन जब वो लिखते हैं तो
चुनौतियाँ होती हैं सर, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए है कि हिंदी के प्रति प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशीलता का अभाव है और हिंदी अपने विकसित रूप में राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है, राजभाषा का भी दर्जा उसको मिला है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों से आने वाले जो युवा हैं वो आवश्यक नहीं समझते हैं कि हिंदी भी उनको सीखने की ज़रूरत है। अंग्रेजी सीखने के लिए पूरी तैयारी करते हैं, हिंदी सीखने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी भाषा आते आते आती है, अगर उनके प्रयोग में वो भाषा रहेगी तो अंततः उनको भाषा का ज्ञान हो ही जाएगा और भाषा अर्जित की जाती है। जैसे आप जीवन में सुविधाएं अर्जित करते हैं वैसे ही भाषा भी अर्जित की जाती है। करत करत अभ्यास से जड़ मति होती है, भाषा निरंतर प्रयोग से किसी की अपनी भाषा हो पाती है और तब वो जो लिखता बोलता है उस पर उसके अपने व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। जैसे आपके जीवन जीने का एक ढंग हो सकता है, लाइफ स्टाइल, उस तरह से आपके एक्सप्रेशन का भी एक स्टाइल, उसकी शैली होगी, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को विकसित करेंगे तब ना, सबके साथ तो ये संभव है नहीं। तो जीवन संघर्ष जब रूपायित होगा अपनी विकसित भाषा में तब उसकी अपनी भाषा, हिंदी सब बोलते हैं लेकिन आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की हिंदी तो कोई नहीं बोलता है। दिनकर जिस हिंदी में बोलते थे उसमें तो हम नहीं बोलते हैं, या हम भी किस हिंदी में बोल रहे हैं उस हिंदी में सब लोग नहीं बोलते हैं, अपनी अपनी हिंदी, हिंदी सबकी। सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें नियंत्रण प्रयास करते रहना चाहिए अपनी अशुद्धियों को सही करने के लिए, लेकिन सर जैसे कि आजकल के जो बच्चे होते हैं, आजकल के जो विद्यार्थी होते हैं, वो हिंदी ना जान के इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा अपनाना चाहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि, और ये भी जानना चाहता है कि उनके जो गार्जियन होते हैं, उनके जो अभिभावक होते हैं, इसमें ज़्यादा उनको इस बात के लिए ये हिंदी भी जो है हिंदी वो चार प्रकार की होती है, तत्सम तद्भव देशक विदेशक, उसकी जो शब्दावली होती है वो चार प्रकार की होती है। तो विदेशी भाषा के बहुत सारे शब्द हिंदी में पहले से मिले हुए हैं और इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि अंग्रेजी बोलने से हिंदी को खतरा हो गया है, बल्कि अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द बड़े धड़ल्ले से हिंदी में आत्मसात किए जा रहे हैं। रिक्शा वाला भी कुछ अंग्रेजी बोल लेता है ना, तो उसकी वो जो अंग्रेजी का एक रूढ़ है स्टाइल है, जो ग्रामेटिकल माने लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी है, वो भी कहाँ है, उसका भी बदलाव हो रहा है। तो हिंदी में तमाम विदेशी भाषाओं के शब्द बहुत ही उदारता के साथ आ रहे हैं और इससे हिंदी की शब्द संपदा, उसका शब्द भंडार बढ़ रहा है। अब लड़कियां जैसे बोलती हैं, कुछ बोलेंगी वाक्य लेकिन बीच में लगाएंगी बट, वो लेकिन नहीं बोलती है बट बोलती है, ये बट भी आ जाएगा, इस बट भी आ जाएगा, तमाम चीजें आ गई, टाई आ गई। सर मैंने सुना है कि आपने बहुत सारी कविताओं की रचनाएं की हैं, तो सर कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ पंक्तियां आप सुना दे तो। देते हैं पतंग और बच्चा, पतंग समझते हो ना, पतंग उड़ रही है अनंत आकाश में, पतंग उड़ रही है अनंत आकाश में और उसकी जोड़ थामे बच्चा दौड़ रहा है अछूत पृथ्वी पर। बच्चा पतंग नहीं, न पतंग बच्चा, सिर्फ एक जोड़ है जिसके एक सिरे पर पतंग है दूसरे पर बच्चा। नींद तुलों को भी आती हूँ, नींद में खलल डालते होंगे माता पिता सुबह सुबह। नींद एक घोंसला है, नींद एक घोंसला है, सपने जिसमें पलते हैं चेतना के कोकिल अंडे सा, कागा शोर से निर्भय शिशु सपने खेलते हैं
नींद के होश में। इसी का दूसरा खंड है तुरंग की चाल। तुरंग समझते हो, तुरंग बने घोड़ा, तुर्की का घोड़ा। तुरंग की चाल से चलकर कभी नहीं आती है नींद, बहुत शांत स्निग्ध माँ के आंचल से गिड़गिड़ाती अपने वत्सल अंक में छिपा लेती है नींद। सुमुखी जब तुम हो यह नींद है तो कल सुबह भी होगी ही, चिंतित हो रात के रहनुमा विचार करें दिन के तस्कर, हम नींद के सहारे प्रतीक्षा करेंगे सुबह। चौदह सितंबर आज ही के दिन 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राज्यभाषा बनाई गई थी भारत की। तो सर आज के टाइम में सरकार की क्या भूमिका हो रही है हिंदी भाषा को लेकर? 49 में जो संविधान में जगह मिली थी राजभाषा के रूप में हिंदी को, तो को पूरी तरह से व्यवहार में लाने के लिए विभिन्न सभा संगोष्ठियों की आयोजना हुई, और उसमें देखा गया कि अभी जो है नौकर शाह इस बात की तैयार नहीं, तो 15 वर्षों का समय माना गया, तब तक अंग्रेजी चलती रहेगी, जब तक हिंदी इस योग्य नहीं हो जाती कि भारत की राजभाषा के रूप में वह मान्य हो सके। तो वो जो संवैधानिक स्तर पर जो सिलसिला था वो तो चल ही रहा था, और वो आज के दिन भी पूरी तरह से विवाद नहीं अंग्रेजी स्पेस में बनी। हमें देखना यह है कि यहाँ पर हिंदी को थोड़ा सा अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़कर देखने की जरूरत है, क्योंकि भारत को जो स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947, याद करो कि 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था, और 47 तक आते आते लगभग 90 वर्ष जो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया गया, भाषिक माध्यम उसका हिंदी थी, हिंदी ही स्वतंत्रता संग्राम की भाषा थी। और जब तक स्वतंत्रता संग्राम चलाया जा रहा था तब तक लोग बिल्कुल निश्चिंत थे कि भारत को जैसे ही आज़ादी मिलेगी हिंदी राष्ट्रभाषा हो जाएगी, राजभाषा हो जाएगी, संपर्क भाषा के रूप में मान्य हो जाएगी। लेकिन हुआ नहीं। आलोचक जो है इस बात के वो हमें स्वाभिमान की कमी ढूंढते हैं। बहुत पहले भारतीय परिषद ने कहा था कि निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटत नहीं है कोई सुनो। तो निज भाषा उन्नत यह है, गणेश शंकर विद्यार्थी से एक बार पूछा गया था कि आपको देश की आज़ादी और हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी दोनों में से अगर एक देने की बात की जाए तो आप क्या पहले क्या चाहिए? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि हमको हमारी हिंदी दे दो, भाषा दे दो, बच्चे भाषा जब हमारे पास होगी तो हम आज़ादी की ले लेंगे। भाषा में वो चीज़ है, वो तत्व है जो हमको स्वाभिमान की प्रतीति कराती है। तो हिंदी का प्रश्न जो है हमारे जातीय अस्मिता का प्रश्न है, जातीय स्वाभिमान का भी प्रश्न है। लेकिन ये जो भूमंडलीकरण का दौर आया है इसमें राष्ट्रवाद की बात तो कही जाती है, लेकिन राष्ट्रीयताएं जो आंदोलन का रूप ले रही थी उनकी गति में मंथरता, उनकी गति मंथर। आप कोई राष्ट्रीय अस्मिता जैसी बात को लेकर हम अपनी बात लोगों के बीच नहीं रख सकते। आज समस्या यह है जो बाजारीकरण हुआ है पूरी दुनिया में, एक ग्लोबल विलेज के सदस्य के रूप में हम उभर रहे हैं, तो बाजार में जो भाषा अपने को बचा लेगी वही बचेगी। तो हिंदी ने, हिंदी में क्षमता है इसको इसने प्रदर्शित किया है, और विश्व बाजार की सबसे प्रमुख भाषा के रूप में थोड़ा सा इसके इसको अपने स्वाभिमान से हम जोड़कर देखें,
जैसे फ्रांसीसी लोग हैं, फ्रांस में फ्रेंच के सामने अंग्रेजी को महत्व नहीं दिया जाता, जर्मनी में जर्मन भाषा के सामने अंग्रेजी को महत्व नहीं दिया जाता। छोटे छोटे देश जब अपनी भाषा के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील हो जाते हैं तो उनकी जातीय अस्मिता सुरक्षित हो जाती है। भारत में 24-25 भाषाएं प्रमुखता से स्वीकार्य हुई हैं, साहित्य अकादमी में उन भाषाओं के लेखकों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। तो कह सकती हूँ कि भाषा ही बहुलता का देश है अपना। भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर तमाम तरह की विविधताएं हैं। तो हमको इस जो ये क्या कहेंगे, विविधता में एकता की जो हमारी परंपरा है, चिंतन की परंपरा, उसको जारी रखना है। विविधता को बचाए रखकर हिंदी को धीरे धीरे उसकी क्षमता के बल पर जो पुराने वायदे हैं, राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष की भाषा के रूप में जो हिंदी प्रतिष्ठित रही है, तो आज़ादी के बाद उसका महत्व बढ़ना चाहिए। प्रोफेसर रेखति रमन का कहना है कि हिंदी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, अंग्रेजी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हिंदी को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो आइए उनसे थोड़ा कुछ और भी जाने। सर, जितने भी साहित्यकार हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी और भी बहुत सारे जो हिंदी के साहित्यकार हैं, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और एक पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना छाप छोड़ा हुआ है। तो सर, उन्होंने जो हिंदी को इतना विशेष महत्व दिया है, उस पर थोड़ा एक रोशनी डाल सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। हिंदी दिवस हम मना रहे हैं और ये चीज़ स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिंदी का विकास हुआ है तो उसमें व्यापारिक संस्थाओं के साथ जो इंस्टीट्यूशंस सब हैं, ईसाई पादरियों का भी हिंदी के विकास में हाथ है, धार्मिक संस्थाओं का है, और जिसको हम फिल्म संस्थान कहते हैं, तो फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के विकास में। ये सब है अपनी जगह, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान उन लोगों का है जिन्होंने हिंदी का हित साधा। ऐसे एक कवि थे, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी। हाँ, तो निराला जी ने तो स्वीकार किया है कि उन्होंने सदैव हिंदी वालों का मुंह देखा, हिंदी के विकास के लिए अपने को खपा दिया। तो ऐसे बहुत लोग हैं, प्रेमचंद हैं, भारतीय हरिश्चंद्र का उल्लेख मैंने पहले किया ही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे January 1903 में, और 18 वर्षों तक उन्होंने निरंतर सरस्वती का संपादन करके हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान। बाबू श्री पूजन सहाय, जिनको शिव जी कहा जाता था अपने समय में, तो शिव जी ने भी, इन दोनों की जानने की बात है कि प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि, तो रंगभूमि को प्रेमचंद ने पहली बार एक ऐसा उपन्यास लिखा था जो देवनागरी लिपि में लिखा था, तो उसकी जो प्रेस कापी थी उसको तैयार किया था श्री पूजन सहाय, और प्रेस कापी तैयार करते हुए उन्होंने जो उसमें संशोधन परिष्कार किया भाषा को लेकर, तो वो एक आदर्श भाषा बनी। श्री पूजन सहाय बहुत बड़े लेखक थे, धार के थे, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, गरीबी में रहते हुए उन्होंने संघर्ष किया। तो तुमने जो दिया दान, दान वह हिंदी के हित का अभिमान, वह सच्चा कल्याण, वह अच है या सच है। ये सब हिंदी के लेखक ही नहीं है बल्कि हिंदी भाषा और साहित्य का, आधुनिक हिंदी भाषा और साहित्य का विकास तेजी से हो, इसके लिए इन लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पित किया, ये जीवन दान है। सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत ज़्यादा अच्छी ज्ञान की बातें बताई हैं, लेकिन असल अंत में बस मैं एक ही सवाल करना चाहूँगी कि
जब हमारे देश में हिंदी को राजभाषा की उपाधि जब मिल ही गई है, जब मान्यता मिल ही गई है, तो क्यों हमें हर वर्ष हिंदी दिवस को मनाना पड़ रहा है सर? ऐसे ऐसा नौबत ही क्यों अभी आ गया है? हाँ, ये सवाल जो है पिछले 20-25 वर्षों से उठाया जा रहा है, हिंदी दिवस क्यों मनाया जा रहा है। लेकिन कोई यह नहीं कहता है कि इस देश में हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, ईद का त्यौहार क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, मुहर्रम का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। हमको याद रखना चाहिए कि मनुष्य की मुक्ति भाषा की मुक्ति से अलग नहीं है। जब आप गुलाम थे तो आपकी राजभाषा अंग्रेजी थी, और पहले जाइए आप तो आपकी राजभाषा, देश की राजभाषा फारसी थी, हिंदी राजभाषा बनी। तो उसके लिए कितना संघर्ष हुआ, किन किन स्तरों पर संघर्ष हुआ। जैसे आधुनिकता को समझने के लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, कोई भी देश और जाति अपने इतिहास को भुला करके भविष्य के लिए कोई मार्गदर्शक संकेत नहीं प्राप्त कर सकता। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारत में कहा था, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो पुत्र की पहचान जरूरी नहीं है कि पिता से ही हो, लेकिन पुत्र के नाम के साथ पिता का भी नाम जुड़ता है, और पिताजी का नाम उनके पिताजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो है हिंदी को यहाँ तक पहुँचने में किन कठिनाइयों संघर्षों से गुजरना पड़ा, ये वैसे ही है, इसकी स्मृति बहुत आवश्यक है। आप स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाएंगे तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको कितना खोना पड़ा, कितने लोग शहीद हुए। दिनकर जी ने लिखा है ना, नमन उठी मेरा सतबार, सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन चुना की मार, कलम आरुण की जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई चुराई, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गड़बन का बोल, कलम आरुण की जय बोल। तो जैसे वर्तमान के लिए इतिहास हमेशा एक मार्गदर्शक संकेत होता है, गुरु होता है, अतीत और वर्तमान में गुरु और शिष्य का संबंध होता है। तो आपको हिंदी दिवस मनाते रहना है, क्योंकि हिंदी कोई साधारण बात नहीं है, भाषा तक ही सीमित नहीं है। यह भाषा आपके पास नहीं होती तो आपका स्वाधीनता संघर्ष जो था वो वैसी एकता के साथ नहीं लड़ा जा सकता। तो इस विविध भाषाओं के देश में, विविध संस्कृतियों के देश में हिंदी एक ऐसा माध्यम है भाषा के रूप में, जिसको आप अपनाए रखकर इसकी एकता को बनाए रखें। इसकी एकता बहुत जरूरी है, इस देश को आगे बढ़ने के लिए एकता, जनता के बीच भावात्मक एकता बहुत जरूरी है, और भावात्मक एकता को नियंत्रित करने में भाषा की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए यह सवाल यही लोग करते हैं जिनके मन में ये बात नहीं आती है कि हम जो अभी हैं वो बहुत से संघर्षों के सुफल हैं, या दूसरे रूप में भी इसमें कर सकते हैं। सर, अंत में आज हिंदी दिवस पर आप हमारे युवा पीढ़ी को, खास करके हमारे युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी बहुत ही तेजस्वी है, और उसको कोई नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है। हम मानते हैं कि जो बीत चुका है उससे हम कुछ सबक ले लेते हैं, उसका दृष्टांत देख लेते हैं, लेकिन हर युवा को अपने समय की चुनौतियों का सामना स्वयं करना है, अपने अनुभवों के आलोक में, अपने जीवन संघर्षों के आलोक। मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता की एक पंक्ति आती है, याद आती है, लीक पर वे चले जिनकी चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। युवाओं से हम यही आग्रह करेंगे कि अपदीपो बनो, आत्मदीप बनो, अपने रास्ते में अपने विवेक
का दीप जलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करो, निरंतर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और युवा पीढ़ी हमसे ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा विवेक है उसके पास, ज़्यादा कौशल है उसके पास, संघर्ष भी उसका उतना ही बड़ा है। मैं प्रोफेसर एलटी रमन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और हमसे बातचीत की और उन्होंने हिंदी दिवस के महत्व के बारे में हमें बताया। धन्यवाद और आप देखते रहिए बिहार दस्तक।